अश्विनी श्रीवास्तव, ये कोई पहली बार तो है नहीं, चीन एक्सपोज कई बार हो चुका है अपनी हिमाकत को देखते हुए, लेकिन अब आज के इस हालात में अपने रुख को जिस तरीके से चीन दुनिया के सामने रख रहा है, भारत को क्या रणनीति अपनाते हुए चीन को दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, इसमें सच्चाई यह है कि एक प्रो एक्टिव स्ट्रेटजी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और ये लगता है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोदी गवर्नमेंट है उसने ये अपना लिया है कि लास्ट एक महीने से अब वो चीन का नाम लेने लगे हैं। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से भारत चारों तरफ से मजबूत हो रहा है, चाहे इकोनॉमी, अब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तीसरी की तरफ जा रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ाई है, अभी आपने मॉडर्नाइजेशन कर ली, अपने हथियार भी, अपनी डिफेंस फोर्सेस भी, थिएटराइजेशन होने वाला है, तो मुझे लगता है ये साफ सुथरा मैसेज चीन को भेजा जा रहा है, ये बदला हुआ भारत है और ये ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है, जो बताएगा क्या है कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी में क्या डिपेंडेंट है। आप देखें 14 देशों के साथ जो चीन के लैंड बाउंड्री है, उसने 12 के साथ समझौता किसी तरीके से किया हुआ है, भारत और जो भूटान है उसके अलावा, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत को वो अंडर प्रेशर डालना चाहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। आप उसको काउंटर करें कि अगर हमने किसी जमाने में टिबेट को उसका हिस्सा माना था या वन चाइना पॉलिसी मानते हैं ताइवान को लेके, इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन मार्क ओपन एंडेड रखना चाहिए, क्योंकि जो सिंजियांग के अंदर ये ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं वीगर मुसलमानों के लिए, उसके बारे में भी हमें बात बोलनी चाहिए जैसे को तैसा। मेरा मतलब यह है कि अगर चीन कुछ कह सकता है तो भारत को उसका उल्टा जवाब दे, जैसे मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो बोला वो बहुत ही अच्छा बोला कि अगर हम चीन के नाम बदल दें क्या वो इलाके हमारे हो जाएंगे। तो एक प्रकार से थप्पड़ मारा है चीन को कि ये बेतुका बातें करते हो आप, चीन जो भारत के नाम बदल के ये क्या उनके ये इलाके हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा, मतलब आपके कहने से कुछ नहीं होता। और जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा, टिट फॉर टैट की रणनीति अगर हमने अपना ली तो फिर चीन कहीं का नहीं रह जाएगा। राजेश कुमार जी, बड़ा सवाल यह है कि चाइना पहले भी कई मौकों पर एक्सपोज होता रहा है, अपनी हड़प नीति के तहत, कर्ज नीति के तहत लोगों को फंसाता बरगलाता रहा है, लेकिन 1962 से हम लगातार देख रहे हैं कि उसका दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आता रहा है। भारत ने खूब मान सम्मान दिया, बातचीत की तमाम कोशिशें हुई, बावजूद इसके चीन सुधरना नहीं चाहता। देखिए वो सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि वो एक रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट पावर है। जो आज की डेट में चाइना के प्रांत हैं वो कभी उनके नहीं थे, हालांकि उन्होंने एक लॉ अपने लिए पास किया है कि जो हमारी पूर्वजों की जमीन है उसको हम एक एक इंच हम वापस लेंगे, लेकिन ऐसी कोई जो है जमीन जो जैसे तिब्बत है, तिब्बत कभी भी किसी चाइनीज किंगडम के नीचे कभी भी नहीं था, एक मेरे ख्याल से कुछ सालों के लिए शायद उसको कॉन्कर किया गया था, पर उन्होंने वापस ले लिया था, ले ली थी अपनी जमीन। तो हमने जो जैसे सिवाज साहब ने बताया कि हमने सोचा था कि हम शांति के साथ उनके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हमने उनकी कई बातें मान ली थी जो थोड़ी बेतुकी थी, अब मेरे ख्याल से वो तुक जो है वो हम अब नहीं बैठती, और इस तरह से हमें इनको जो है तिब्बत का जो जो वो कहते हैं लिबरेशन ऑफ तिब्बत, एक्चुअली वो फोर्सफुल ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत है, तो हमें इसको कहना चाहिए कि ये उन्होंने फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया है और ये इनकी जमीन नहीं है, और ऑटोनॉमी की बात छोड़िए, इनको इंडिपेंडेंस देना चाहिए। बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है राजेश सर, लेकिन मनीष, कई हालात को देखते हुए, विस्तारवादी नीति को देखते हुए, चीन की हिमाकत और चीन का ये जो ओवरऑल बॉर्डर एरियाज पे एक्सपेंशन है, इसको देखते हुए आज जिस तरीके से ये प्रहार किए जा रहे हैं, मैटर करते हैं एक्शन। सवाल एक्शन का मनीष इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ कहता नहीं है, करता भी है। बिल्कुल सही बात है, देखिए एक्शन तो गलवान के बाद मई 2020 से हमने पहले एलएसी पर दिखाया, जब हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया था, जितना उनके सैनिक आए थे हमने उनसे उनके बराबर या उनसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया था। लेकिन आप मेरी बात ध्यान रखिए कि साल 2024 वो समय है जब पूरी दुनिया देख रही है कि चीन को लेकर भारत की नीति में कितना बड़ा परिवर्तन आया। शुरुआत इसकी हुई 26 जनवरी को जब हमने ताइवान के एक बड़े कंपनी के प्रमुख को पद्म भूषण का अवार्ड दिया। ताइवान को लेकर हमारी रणनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला।
पिछले हफ्ते जब हमारे विदेश मंत्री फिलीपींस गए और फिलीपींस और चीन के कोस्ट गार्ड के बीच जो टक्कर हुई थी उसके बाद हमारे विदेश मंत्री ने कहा हम फिलीपींस की संप्रभुता का समर्थन करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद अरुणाचल को लेकर अरुणाचल के दौरे पर गए, तब से प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब अरुणाचल को लेकर चीन का नाम लेकर बोल रहे हैं। जाहिर है हम ऐसे कई और स्टेप उठा रहे हैं, कई रणनीतिक स्टेप उठा रहे हैं, हम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां से चीन को अब घेरा जाएगा। तो अब सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही है, अब चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक्शन पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और वो सिर्फ LAC तक नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक, पैसिफिक और दूसरे और तमाम जगहों पर भी ये हो रहा है। जी, एक लंबे अरसे से हम ये देख रहे हैं अमिताभ सर कि जो भारत के वो पड़ोसी देश जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सैन्य तौर पर कमजोर है, उनकी मदद कर उन्हें अपने झांसे में फंसाने की कोशिश भी चीन ने कई मौकों पर की है। इस रणनीति जो चीन की तरफ से अपनाई जा रही है उससे कैसे पार पाया जा सकता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चीन ने अपना प्लान बनाया हुआ है, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वो उसमें सफल नहीं रहे क्योंकि सरकारें बदलती हैं, उनकी नीतियां बदल जाती है। जैसे हमने मालदीव्स में देखा, बांग्लादेश में वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काफी आगे बढ़ाया हुआ, फिर भी वो डिप्लोमेटिकली भारत से दूर नहीं हुआ है। तो हमें जो करना होगा, इस मौके का फायदा उठाना होगा। और उस मौके का कैसे फायदा उठाएंगे, जो भी जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फैक्ट्रीज का बेस बना है चाइना, उनसे हम दुनिया को कहें कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। ताइवान की बात आई, उनके यहाँ जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनको हम अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कहें, तो ये एक दोहरा प्रहार होगा। और हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, और ये चीन बहुत अच्छी तरह से समझता है, पूरी दुनिया ये समझता है। जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है अपने बयान में अमित शाह की तरफ से ये बड़ा संदेश चीन को दे दिया गया है।